नमस्कार। सर्वप्रथम बहुत आभारी हूँ देवेंद्र जोशी जी का, जिन्होंने मुझे पुनः आमंत्रित किया जन सरोकार मंच में। इस मंच के माध्यम से मेरी जो कविताएं हैं उसमें बहुत सी संदेश भी रहते हैं प्रकृति के लिए, और एक अलग पक्ष जो एक दृष्टिकोण है वो जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ, ये जन सरोकार मंच के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। आज मैं अपनी ऐसी कविताएं लेकर आई हूँ जो अभी अभी मैंने लिखा है, और ये अभी मेरी जो चौथी पुस्तक जंगल छपने वाली है उसमें ये सारी कविताएं छपने चली गई हैं। ये जो कविताएं हैं ये सभी कविताएं प्रकृति से संबंधित है, और अभी कुछ दिनों पहले ही हमने पर्यावरण दिवस मनाया है, और पर्यावरण दिवस के तुरंत बाद ये जो मेरा प्रोग्राम है इसमें ये कविताएं बहुत जचेंगी। तो प्रारंभ करती हूँ, अनुमति चाहती हूँ। ये जंगल कविता की 42वीं कविता है, 42 नंबर की यह कविता है। पंक्ति में गेंदा के फूल जैसे, पंक्ति में गेंदा के फूल जैसे चलती हैं आदिवासी कन्या, पंक्ति में गेंदा के फूल जैसी चलती हैं आदिवासी कन्याएं, जैसे सुंदर माला विजयी धरती को प्रकृति ने पाई। सम्मान स्वरूप गोधूली वेला, रोती हुई प्रकृति सुंदर मन के साथ किसने इतना खेला। क्षितिज के पार तक उस स्वर्ग के द्वार तक, क्षितिज के पार तक उस स्वर्ग के द्वार तक पंक्ति में चलना प्रतिदिन ढलना, पंक्ति में चलना प्रतिदिन ढलना, रोम रोम में कला, रोम रोम में कला, मिट्टी भूसे से लकड़ी से टूटी फूटी फटा कटा जोड़ कर बना भगवान, जंगल के पास है कितना ज्ञान। बनाती है खोपा, खोपा मतलब वो संथाल परगना एक आदिवासी जगह है उसमें खोपा जुड़े को बोलते हैं। बनाती है खोपा लंबे लंबे बालों में, बनाती है खोपा लंबे लंबे बालों में तोड़े हुए फूल पगडंडियों के धूल। हम चलना चाहते हैं, हम चलना चाहते हैं जंगल को। मादर बजाकर सुंदर है आम जाम आंवला, सुंदर है आम जाम आंवला, पता है जंगल का रंग है सांवला, पता है जंगल का रंग है सांवला। ये कविता मुझे बहुत पसंद है, और इसमें जितनी भी कविताएं हैं ये सब एक भावनात्मक स्तर से जो मेरा लगाव और जुड़ाव है जंगल में, जंगल के प्रति, उससे ही ये सब निकली हुई है। एक गोदना और जंगल है इसमें एक कविता, ये सुना चुकी हूँ मैं, जो नहीं सुनाई हूँ वो सुनाती हूँ। ये जंगल में जंगल के लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण कविता लगती है मुझे। जंगल में जंगल के लोग बह जाते हैं नदी के साथ, अड़ जाते हैं पहाड़ के जैसे, गड़ जाते हैं जड़ के जैसे, पैदल चलते हैं पाताल लोक तक, भूल जाते हैं खुद को, कभी उड़ने का प्रयास करते हैं, कभी शिकार करते हैं, कभी आकार में कभी प्रकार में, कभी आकार में कभी प्रकार में, गुण को अवगुण में खोजते हैं खुद को, कभी उड़ने का प्रयास कभी शिकार करने का प्रयास, खोए हुए जड़ी बूटियों को याद करते हैं, नानी की कहानियां जो अकड़ कर पकड़ लेती थी, जो अकड़ कर पकड़ लेती थी नाग और कोबरा,
जो अकड़ कर पकड़ लेती थी नाग और ओबरा, पीस लेती थी चट्टानों में इमली और कोबरा, पानी पत्थरों से छनकर निकले, संवेदना बूंद बनकर नदी में जा मिले, कमल पत्रों में मोती सा जल, सब कुछ है जंगल में अनमोल, क्या सुविधा संतोष दे सकता है? क्या सुविधा संतोष दे सकता है? क्या जल जमीन जंगल में कोई जोत जला सकता है? क्या जल जमीन और जंगल में जोत जला सकता है? तो ये कविताएं बहुत दिनों से लिखी जा रही हैं, एक दो दिन में नहीं लिखी गई है, ये कविताएं करीब 10-20 सालों से लिखी जा रही हैं। और बहुत बार ये कविताओं को मैंने बदला है, बहुत बार बहुत पंक्तियों को मैंने काट के निकाल दिया है और बहुत चीजें फिर नई जोड़ी हैं इसमें। जंगल की ये 38वीं कविता है। चिड़ियों ने संगीत यहीं से सीखा, गिलहरियों ने ठुमक कर चलना। चिड़ियों ने संगीत यहीं से सीखा, गिलहरियों ने ठुमक कर चलना, खरगोश ने दुबकना, बंदर ने डोलना, तोते का पटर पटर बोलना, इधर की रेखा उधर से देखा, जंगल ने पाया माँ की छाया, खुदक रही है सुंदर पुरवा, प्रेमी ने पुकारा था इसी जंगल में प्रेमिका का नाम, वही गूंज रहा है बनकर सब कुछ प्रमाण, खेले गए रण, पराजित प्रण, सब है अब तक, जंगल है जब तक। इन कविता में ये कविताएं जो है, ये बहुत से मैंने, ये कविताएं जो मैंने लिखी हैं, ये शब्दों से ज्यादा इनमें एक अलग सा भाव छिपा हुआ है। और जब आप ये काल्पनिक रूप से जंगल से रिलेट करेंगे, तब ये कविताएं सुंदर लगने लगेंगी। आप जब ये कविताएं मैं सुना रही हूँ या बोल रही हूँ, मेरे सामने ऐसे लग रहा है कि जंगल का एक परिदृश्य है, या मैं जंगल के बीच में बैठी हूँ, तो ये कविताएं जंगल में बैठकर और सुंदर लगती हैं। जैसे मैं कमरे में बैठ के सुना रही हूँ, जंगल में बैठकर अगर मैं ये कविताएं सुनाती तो मुझे लगता है ये और बहुत बहुत ही अच्छा होता। ये जंगल की है 34वीं कविता है, क्षमता ममता पोर पोर में सज्जनता, आवेग में दिशाहीन वेग में, वियोग में योग में, शोर से दूर भोर में, जाग उठता है जागृत जंगल, लाल सूरज के किरणों से, धरती के धैर्य से, नदी के बहाव से, पहाड़ के प्रभाव से, जड़ों से जुड़ा जड़ता से दूर, प्रणेता है जंगल। ये बहुत सारी मैं जंगल की कविताएं सुना ली, एक और सुनाती हूँ, फिर मैं दूसरी कविताएं सुनाऊंगी। कुछ अलग सुनाती हूँ। हाँ, जंगल की ये 29वीं कविता है, ये सुनाती हूँ। सामूहिक साधना सामूहिक समझदारी, सामूहिक उपासना है जंगल। अतीत की धरोहर, वर्तमान के कर्तव्य,
दिव्य है जंगल। जंगल को निभाना, एक बार तुम जंगल हो जाना, जंगल को निभाना एक बार तुम जंगल हो जाना। अगला सूत्र साझी विरासत, एक अकेला सत आदर्श के बीज, आदर्श के बीज से जन्मा है, जन्म लेता है, आदर्श है जंगल ना, आदर्श रहता है जंगल, आदर्श के बीज से जन्म लेता है जंगल। धर्म पंथ और समुदाय के सत्ता से दूर, धर्म पंथ और समुदाय के सत्ता से दूर, समृद्ध प्रचुर छलकता है, झलकता है निर्णय और निश्चय के बीच का भाव। देखो ना कितना सुंदर स्वभाव, झलकता है, छलकता है निर्णय और निश्चय के बीच का भाव। देखो ना कितना सुंदर स्वभाव, एक मत विमर्श, एक मत विमर्श, कितना पवित्र स्पर्श, शांत मौन सुवास सुगंध, निकट है जंगल, बहुत निकट। ये कविताएं जब मैं सुनाती हूँ तब मुझे बहुत ऐसे भाव में सुनाती हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत बहुत भाव स्तर पर और बहुत ऐसे विरोध भी है इसमें, विद्रोह भी है, लेकिन जो विद्रोह मैंने इसमें जंगल कविताओं में जो समाहित किया है वो विद्रोह कोई ऐसे इस तरह का विद्रोह नहीं है, वो विद्रोह संवेदना से जुड़ा हुआ विद्रोह है। इसमें आग्रह है कि आप इस संवेदना को अनुभव करें, आप समझें, जैसे हम समझते हैं हमारा कोई हाथ काट दे, हमें कोई जख्मी करे तो हमको कितना तकलीफ होता है, वैसे जंगल को काटते हैं लोग, उसका उसको काट देते हैं, बहुत सारा उसकी शाखाएं काट देते हैं, बहुत समय जड़ से उखाड़ देते हैं, तो वो भी बहुत तकलीफ देह है, उनके लिए भी बहुत तकलीफ देह है। ये है ना, हम अपनी तकलीफों को बहुत गहराई से महसूस करते हैं और ऐसी जो चीजें हैं इनके लिए हमारी संवेदना बहुत कम है, तो इसी वजह से मैंने ये सारी रचनाएं की हैं। जंगल की ये 26 नंबर की कविता है जंगल, मोहक सौंदर्य नए नए रूप में, मोहक सौंदर्य नए नए रूप में, मैं भी तो उगता हूं इसी धूप में, सौंदर्य बनकर वेद में अभेद बनकर, दिव्य स्वरूप में प्रकृति के रूप में, अटल अनूप में देश देशांतर उत्तर निरुत्तर, इतना त्यागी परम अनुरागी, हर कोने में मेरे होने में, हर कोने में मेरे होने में, परम से नाता जोड़कर कौन कौन रह पाएगा इस पृथ्वी में मुझसे नाता तोड़कर। सही है ना, कौन रह पाएगा इस पृथ्वी में मुझसे नाता तोड़कर, मैं जंगल हूं रुका रहा युगांतर और अभ्यंतर के मध्य, रुका रहा युगांतर और अभ्यंतर के मध्य, यज्ञ कुंड में शांति जिसका ध्येय, यज्ञ कुंड में शांति जिसका ध्येय, दिव्य रस अमृत मुझ में जागृत देव का तेज मुझ में। वही ईश्वर है, प्रकृति भी ईश्वर है ना, सूर्य चंद्र भी मेरे अभिलाषी, खोज फिर खोज मेरे अंदर गंगा मेरे अंदर पुण्य काशी, मैं नहीं प्रवासी, रहने दो मुझे, मैं हूं जंगल, जीने दो मुझे, मैं हूं जंगल। तो ये बहुत सी कविताएं हैं, इसमें से 50 कविताएं हैं मेरी जंगल के ऊपर, और सबका शीर्षक एक ही है, जंगल जंगल। और ये जंगल की 19वीं कविता है, तब मुझे जंगल ही मन कर रहा है सुनाने का। जंगल की 19वीं कविता है, स्नेह में डूबी नदी, स्नेह में डूबी, ये थोड़ा सा सोचिए कि स्नेह में, जैसे नदी देख
हम लोगों को कितना अच्छा लगता है ना कोई नदी बह दिखता। तो आप थोड़ा से इसको रिलेट कीजिए कि स्नेह से, मतलब नदी का पानी पूरा, उसको पानी ना सोचकर हम स्नेह सोचें, प्रेम सोचें, तो कितना सुंदर लगेगा वो। स्नेह में डूबी नदी, स्नेह में डूबी नदी असंख्य सदी, स्नेह में डूबी नदी असंख्य सदी, बहुत कुछ सीखना है बाकी, बहुत कुछ सीखना है बाकी, मानव के अंदर दानव, शांत जंगल के अंदर बाघी है ना। जो शांत है इसका मतलब वो पूरा शांत नहीं है, उसके अंदर बगावत भी हो सकती है। शांत जंगल के अंदर बागी है, फिर भी वह अनुरागी है, फिर भी वह अनुरागी है। छीन रहे हो, लूट रहे हो, बार बार झूठ बोल रहे हो, जंगल मगर परम प्यार। विश्वास करता है असहज मानव पर, मानव को मैंने क्या कहा, असहज। विश्वास करता है असहज मानव पर, पुनः पुनः उस दानव पर। बार बार विश्वास करता है जंगल इंसानों पर और बार बार उसे काटा जाता है ना। जंगल का तो मैंने बहुत सारा सुना दिया, अब बाकी दूसरे पुस्तक से सुनाती हूँ अपना। दूसरे पुस्तक से सुनाती हूँ, ये गुरुत्वाकर्षण एक कविता लिखा था मैंने बहुत पहले, गुरुत्वाकर्षण। बंधे हो जुड़े हो, बंधे हो जुड़े हो, कुशलता और सफलता के साथ तुम खींचे जा रहे हो उस धैर्य धारा के साथ। अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, जो सरल और निर्दोष है, जो सरल और निर्दोष है वह सदैव खींचेगा, खींचा नहीं जाएगा। जिसके पास बुद्धि है उसे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते जल्दी से। जो सरल और निर्दोष है वह सदैव खींचेगा, खींचा नहीं जाएगा। अलौकिकता और पारलौकिकता के साथ जाना होगा उसी ऊर्जा की ओर, जाना होगा उसी ऊर्जा की ओर, जुड़ना होगा अनंत श्रृंखला के साथ। ऊर्जा से ओतप्रोत हो वही गुरुत्वाकर्षण। यहां मैंने कविता के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण की जो परिभाषा है उसको कितना बदल दिया है, वही गुरुत्वाकर्षण है। एक दृष्टिकोण है गुरुत्वाकर्षण, एक दृष्टिकोण है गुरुत्वाकर्षण, एक भाव जो सभी को आमंत्रित करता है, जो खींचता है उसको मैं आमंत्रण कह रही हूं, जो सभी को आमंत्रित करता है अपने हृदय में सहृदय होकर। गुरुत्वाकर्षण आधार है, आधार का परिचय है गुरुत्वाकर्षण। ये सारी कविताएं बहुत पहले लिखी गई हैं। ये बहुत धन्यवाद जन सरोकार मंच का, पुनः जो ये फिर से सुनाने का मुझे मौका मिल रहा है। ये जो है ये सुनाना चाहती हूँ आज। ये इस कविता को मेरे बहुत लोगों ने पसंद किया, तत्पर प्यादा। छोटा सा प्यादा न समझ सका ज्यादा, छोटा सा प्यादा न समझ सका ज्यादा, अकारण ही आगे बढ़कर क्यों हो गया मरने पर आमादा। राजा एवं मंत्री की मंत्रणा को समय कम है न समझ सका, जीवन सत्य की कटु यंत्रणा को, असीम आकलन के उस शून्य सत्य को, जीत हार के मध्य के तांडव को, जीत हार के मध्य के उस तांडव को, तथ्य को। शतरंज केवल खेल नहीं है, शतरंज केवल एक खेल नहीं है, देखो चलो, देखो चालों को, किसी का किसी से मेल नहीं, देखो चालों को, किसी का किसी से मेल नहीं है, कितना अंतर, तुच्छ अभ्यंतर, संघर्ष निरंतर, निर्धारित चाल कोई नहीं बेचाल है।
गणना अनुमान झूठा सम्मान अपनी अपनी पहचान केवल छलना है। आओ बैठो समक्ष हमारे, आओ बैठो समक्ष हमारे, शतरंज खेलना है, भिड़ना है, दोनों को आपस में लड़ना है। राजा मंत्री का सही पैगाम है, प्यादे का जीवन स्वार्थ के नाम, प्यादे का जीवन स्वार्थ के नाम है। घोड़े हाथी ऊंट और सभी साथी गुलाम है, घोड़े हाथी ऊंट और सभी साथी गुलाम है, भावना यहाँ नाकाम है। चाल को समझना होगा, चाल को समझना होगा, एक एक को बारी बारी खेल से निकलना होगा। इस बार हार गए तो क्या, इस बार हार गए तो क्या, जीवन वार गए तो क्या, पुनः शतरंज को सजाओ, पुनः शतरंज को सजाओ, कमजोर को आगे रखो। देखिए कैसा होता है, कमजोर को आगे रखो, दांव पर लगाओ, इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाओ। खुद हार गए पर दूसरों को न छोड़ो, खुद हार गए पर दूसरों को न छोड़ो, इधर उधर से घेरो, इधर उधर से घेरो, खूब शतरंज खेलो, खूब शतरंज खेलो। तो इस कविता का नाम तो मैं सोच रही हूँ बदल दूंगी, ये तत्पर प्यादा मैंने रखा था, तो अब मैं सोच रही हूँ इसका नाम बदल कर मैं इस कविता का नाम रख दूँ, खूब शतरंज खेलो। क्योंकि वो तत्पर प्यादा बेचारा बहुत कमजोर लग रहा है शीर्षक में, तो इसी तरह जब जिनके हाथों में कलम रहती है वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी रचनाओं के साथ। इतना पावर तो भगवान ने हमको दिया है कि हम अपनी कविताओं को खूब इधर उधर करें और खूब इसको बदले और कुछ नया कर दें इसी में, है ना। और तो कलम पकड़ने वालों के पास मेरे ख्याल से और अभी तो अभी के समय में कोई ज्यादा ताकत है नहीं, तो अपनी चीजों की छेड़छाड़ हम भरपूर कर सकते हैं। खो दिया, ये खो दिया कविता भी मुझे बहुत प्रिय है, सुनाती हूँ। यह मेरी आखिरी कविता है, बहुत सारी कविताएं सुनाई। खो दिया बंजर धरती ने, खो दिया अंकुर, जैसे हम सारी चीजें कैसे खोते जा रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, ये जो मेरी श्रोता जो सुनेंगे मेरा ये प्रोग्राम, वो आप ये अनुभव कीजिए कि कैसे खोते जा रहे हैं हम सारी चीजों को। जैसे हम हमारे पास पाने के लिए जो पात्र है जिसमें हम अपना जो गेन करेंगे वो बहुत छोटा होते जा रहा है, और जो सारी चीजें ना ऐसे बहती जा रही है ऐसा मुझे लगता है। खो दिया बंजर धरती ने, खो दिया अंकुर, बंजर धरती ने खो दिया अंकुर को, गूंगे ने स्वर को, गूंगा है उसके पास स्वर नहीं था फिर भी उसने स्वर खो दिया, गूंगे ने स्वर दिया, इसका कुछ आंतरिक अर्थ है इसका। गूंगे ने स्वर को, रजनी ने सूर्य प्रखर को, यदि खो दे सागर लहर को, अगर बताइए अगर सागर में लहर ना आए, यदि खो दे सागर लहर को, धरा जल को, पानी ना रहे धरा जल को, वृक्ष तल को, बेस ही ना रहे उसके पास, तब क्या हो। पानी की चाह में खो दिया मन के उस हर्षित कक्ष को, है ना। अब कोई भी इंसान अपने आप खुश नहीं होता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। अपने से जो खुशी अनुभव होती है वो शायद ही किसी ने आज तक प्रैक्टिस किया हो, अभी के लोग नहीं कर पाएंगे शायद, तब क्या हो। पाने की चाह में खो दिया मन के उस हर्षित कक्ष को, निर्भीक उस नैतिक कक्ष को, निर्भीक उस नैतिक कक्ष को, सरलता को, विनीता को, चंद्रकलाओं को, छोटी छोटी बालाओं को, छोटी छोटी बालाओं को, खो दोगे एक दिन सब कुछ, खो दोगे एक दिन सब कुछ, नकली हंसी नकली बोली के साथ तैयार कर लोगे एक झूठी दिखावटी
परिचय पत्र भी। चाहे जीत लो सब कुछ पर खो दोगे मौलिकता, सरलता और एक दिन स्वयं से पूछ बैठोगे, एक दिन स्वयं से पूछ बैठोगे कहां गई सस्य त्यागनी वसुंधरा। यह किसका विभत्स चित्र है, यह किसका विभत्स चित्र है, कौन इतना विचित्र है, इसने सब कुछ खो दिया, इसने सब कुछ खो दिया, तुम क्या पाना चाहते हो। नमस्कार, आज मैंने बहुत सी करीब सभी कविताएं जो है ना वो सामाजिक कविताएं थी, प्रकृति से जुड़ी हुई सारी कविताएं थी, मानव संवेदना से जुड़ी हुई सारी कविताएं थी। तो प्रणाम करती हूँ और अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।